एक तरफ जहां एनडीए सीट शेयरिंग के मामला सुलझा भी नहीं पाई, वहीं पटना गांधी मैदान में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। 3 मार्च को होने वाले इस रैली को बीजेपी समेत बिहार एनडीए के तमाम नेता रैली को सफल बनाने के लिए जुट गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को एनडीए गठबंधन में से 6 सीट मिल तो गई हैं, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। इसे लेकर एलजेपी में भी सीटों को लेकर घमासान जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान इन सबसे दूर अपने संसदीय क्षेत्र के एक गांव में लोगों से सुनी शिकायतें ऑन द स्पॉट करते नजर आए। पूरा मामला क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हाजीपुर के बलवा कुआरी गांव पहुंचे थे, वहां उन्होंने चौपाल लगाया। बलवा कुआरी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गोद लिया हुआ आदर्श ग्राम है। पासवान पहुंचे थे आदर्श ग्राम में सामुदायिक केंद्र के शिलान्यास करने, लेकिन कार्यक्रम के बाद पासवान ने मंच पर ही अपनी चौपाल लगा दी तो लोगों ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। पासवान ने लोगों की समस्या पूछनी शुरू की तो लोगों ने भी समस्याओं की फेरिस्त केंद्रीय मंत्री के सामने रखना शुरू कर दिया। मंत्री जी लोगों की समस्या को लेकर एक एक कर अधिकारियों को मंच पर बुला समस्या का फैसला ऑन द स्पॉट के अंदाज में फैसला करने लगे। इनका जंगलालय लेकिन मंत्री के चौपाल में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने हंगामे का माहौल भी बन गया। हालात को संभालने के लिए महिला पुलिसकर्मी मशक्कत करती दिखी तो जिले के बड़े साहब दौड़ते भागते लोगों को समझाते दिखे। लोगों की शिकायत और हंगामे को देख खुद मंत्री रामविलास पासवान लोगों के बीच पहुंच गए और लोगों को समझाते दिखे। और चीज हो तो यहां करवा लीजिए, लेकिन यदि कहेगा ऑपरेशन होना है या उसमें कह रहे हैं कि तो वो कह रहे हैं कि जो है उसका यदि होगा तो वहां करवा लीजिएगा, सब खर्चा वहां मिल जाएगा, मार्च अप्रैल में चुनाव के पहले हो जाए। मंत्री जी के चौपाल के दौरान पासवान का एक और रूप तब देखने को मिला जब मंत्री रामविलास पासवान ने भीड़ में कुछ महिलाओं और बच्चों को साथ देखा। रामविलास पासवान ने महिलाओं को मंच पर बुलाया और बच्चों को दुलारने लगे। मंत्री जी बच्चे को गोद में लेकर प्यार करते दिखे, साथ ही साथ मंच से भी पासवान ने बच्चों का नामकरण भी कर दिया। वहीं रामविलास पासवान के इस नए अंदाज को देखकर लोग गदगद हो गए और पासवान को लोगों की तालियां मिली। चौपाल के बाद पासवान ने कहा कि अलग अलग विभाग के काम और योजनाएं चल रही हैं और लोग काम से संतुष्ट हैं। काम देखिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, भारत सरकार के तरफ से इसमें पैसा अलग से नहीं दिया जाता है, जो राज्य सरकार है उस राज्य सरकार के तरफ से दिया जाता है। तो हर विभाग का जो है जो आपने देखा है तो संतुष्टि तो है ही, डिपार्टमेंट में सारा काम टाइम बाउंड हो रहा है और मई के महीना तक में कहा सारा काम हो जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के हरकत पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री पर भरोसा रखी, सरकार के 5 साल पूरे होने को है, चुनाव सर पर है, जाहिर है लोग काम का हिसाब लेंगे और नेताजी के जनता के बीच बिताए समय का हिसाब करेंगे। शायद यही वजह है कि मंत्री जी ने जनता के बीच काम का सकोरा बेहतर बनाने के लिए चौपाल लगाया। संदीप आनंद, बिहार तक।